नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। सहारनपुर की नकुड़ सीट से विधायक और योगी सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया है। ये 3 दिन में तीसरे मंत्री का इस्तीफा है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान इस्तीफा दे चुके हैं। विधायक विनय शाक्य ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विनय शाक्य औरैया जिले की विधुना सीट से 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुने गए थे। गुरुवार को ही यानी कि आज फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद सीट से विधायक मुकेश वर्मा ने पार्टी छोड़ दी। इन सभी का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने दलितों पिछड़ों की अनदेखी की है। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार को गुडबाय कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएस को नाग कह दिया है और बीजेपी को सांप कहा है। मौर्य ने कहा कि नाग रूपी आरएसएस एवं सांप रूपी बीजेपी को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने को लेकर मौर्य ने पलटवार किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 8 साल पुराने मामले में वारंट जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ अगर दर्जनों केस भी दर्ज कर दिए जाएं तो उनके हौसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जितना भी वो मुझे परेशान करेंगे उतनी ही मजबूती से मैं उन्हें हराऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 3 मंत्री योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। टिकटों के बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेताओं की केंद्रीय नेताओं के साथ लगातार दिल्ली स्थित मुख्यालय में बैठक हो रही थी। इन बैठकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी में बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल सहित प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सहित अन्य नेताओं के साथ टिकटों के बंटवारे को फाइनल करने के नाम में जुटे रहे। गुरुवार को ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विधायकों और मंत्रियों के धड़ाधड़ इस्तीफों के कारण बीजेपी बैकफुट पर है और शायद इसीलिए बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के आला नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि योगी आदित्यनाथ को अयोध्या सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। इससे पहले योगी के मथुरा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे लाकर नई राजनीति शुरू करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उन्होंने 125 उम्मीदवारों की घोषणा की जिनमें 50 महिलाएं भी हैं। प्रियंका ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष तौर पर महिला उम्मीदवारों के नाम खुद बताए। बता दें जिन महिला उम्मीदवारों को कांग्रेस में टिकट दिया गया है उनमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को भी टिकट दिया गया है। इस मामले में बीजेपी के पूर्व नेता कुलदीप सेंगर पर रेप और हत्या का आरोप लगा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका ने अपनी कुछ महिला प्रत्याशियों के साथ हुए अत्याचार और शोषण की कहानी बताने वाला वीडियो भी दिखाया। इसके अलावा कुछ पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी टिकट दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए मुख्यमंत्री चेहरे के ऐलान को ये कहकर आगे बढ़ा दिया है कि जनता ये उनको बताए कि पार्टी का सीएम चेहरा कौन हो। केजरीवाल ने एक नंबर जारी किया है और कहा है कि जनता इस नंबर पर व्हाट्सएप, एसएमएस, फोन करके 17 जनवरी शाम 5 बजे तक बता सकती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, जिसके बाद जनता की राय पर ही सीएम का चेहरा घोषित किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी कमरे में बैठकर कह रहे थे कि भगवंत मान को बना देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जनता से पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में एनसीपी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला बोला है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक ने नड्डा को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि जब प्रधानमंत्री सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो ऐसे में नड्डा द्वारा पंजाब पुलिस को जिम्मेदार मानना और सुरक्षा में चूक को लेकर दबाव बनाना ठीक नहीं है। नड्डा समेत सभी बीजेपी के नेताओं को पहले जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, ना कि उससे पहले ही अपना फैसला दे देना चाहिए। क्या नड्डा सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटा दिया है।
किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने की चर्चाएं बीते 3 महीनों से उत्तराखंड की सियासत में तैर रही हैं। उपाध्याय की कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार से मुलाकात हुई थी, इसके बाद उनकी बीजेपी में जाने की चर्चा और तेज हो गई थी। उपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई का आदेश उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने जारी किया है। देवेंद्र यादव ने अपने पत्र में कहा कि उत्तराखंड के लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं और बीजेपी की सरकार को हटाना चाहते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपाध्याय बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मेल मुलाकात कर रहे हैं और ऐसा करके बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। बढ़ते कोरोना की चपेट में एक के बाद एक नेता आ रहे हैं। अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनके कार्यालय ने ये जानकारी दी है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,47,417 नए मामले सामने आए हैं। कल कोरोना के 1,94,720 मामले सामने आए थे। हर दिन का पॉजिटिविटी रेट 13.11% जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10.80% हो गया है। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 11,17,531 हो गई है। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 46,723, दिल्ली में 27,561 और केरल में 12,742 मामले सामने आए हैं। उधर ओमिक्रॉन के मामलों का आंकड़ा बढ़कर 5,488 हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।